हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अर्शिताज लाइफ। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, करते हो आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हमारा दिन कैसे जाने वाला है। सो, मम्मी पापा अभी गए हैं बाहर, तो अभी मैं जस्ट स्कूल से और इसने पागल कर लिया। मैं पेंट कर रही हूँ धीर। तो ये मैजिक है क्या? हाँ मैजिक दिख रहा है ये। हाँ। क्या बनाइए? ये बीम। अब इनका क्या करना है? इनका ये देखो, मैं आपको दिखाती। यहाँ पे एक बुक दी गई है, इसमें का देख देख के हमको ना, ये चार्ट पेपर है जो इतना बड़ा, इस पे देख देख के इसमें करना है। ये छोटे छोटे ये वाले है ना, जो इसमें ये वाले करने हैं, ये बड़े वाले चार्ट पेपर से करना है। तो अभी ये तो करने का है ना, तो फिर जब तू कर लेंगी तब दिखा देना, ठीक है? हाँ। तो अभी मैं जाऊँ अंदर। मेन मोटिव था हमें जादू दिखाना, और इसने अपना जादू दिखा लिया है। उसका तो कुछ अर्थ है नहीं। अच्छा है, जादू बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो, मैं जस्ट अभी स्कूल से आई हूँ, बैग रखा और इसने मुझे पकड़ लिया अपना जादू दिखाने के लिए। और ये मुझे भी पहले स्कूल में मिला था, है ना, मैं जब 3rd-4th में थी ऐसा कुछ। और आज हमारे यहाँ बन रही है ये टेस्टी टेस्टी से चकलियाँ, तो चलिए अब इसे हम तलते हैं। यहाँ पर चल रही है तलने की प्रोसेस, और इधर हमारी इतनी चकलियाँ बन के रेडी है। देखो ना कितनी ज्यादा टेस्टी और कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है। अभी हमसे मिलने आए हैं ईशु, और इसके साथ खेलने में ना बहुत ज्यादा मजा आता है। देखो अभी भी ये आई ना, तो घर में शोर शराबा होना ही रहता है। गोल 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 इंशु स्माइल। तो दोस्तों चलो आज बनाते हैं वेज पुलाव। तो आज मम्मी ने कहा है कि आज पुलाव तू बनाएंगी, तो चलिए जल्दी से करते हैं उसकी तैयारी, और थोड़ी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं पुलाव कैसे बनाती हूँ, आप भी जरूर ट्राई करना। तो जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ वेजिटेबल्स कम होते हैं और हमको कम वेजिटेबल्स में एक अच्छा पुलाव बनाना होता है, तो आज मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। सब्जियाँ घर में थोड़ी कम है, मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ के लिए, जैसे मटर नहीं है और फ्रोज़न मटर लाना पापा भूल गए, तो आज हम किन्हीं थोड़े से वेजिटेबल्स से बनाएंगे अपना अच्छा पुलाव। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिए है प्याज, मिर्ची, आलू और साथ ही में टमाटर, और ये है लहसुन का पेस्ट, ये 1 चम्मच ही लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। और साथ ही में हमने ली है गोभी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डाला है जीरा, मोहरी, प्याज, मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, आलू, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक टेस्ट आने के लिए, उसके बाद गोभी, उसके बाद टमाटर। मसाले में मैंने लिए है हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, तेज मसाला, सुरुचि मसाला और नमक। सभी मसालों का हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखना कलर कितना तेज आ रहा है, जितना तेज कलर है उतना ही टेस्टी हमारा पुलाव बनने वाला है। साइड में हमने डाल दी है चावल भिगोने के लिए। थोड़ी देर चावल भीगने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी। जैसे भी पानी ऐड हुआ और एक उबाल आया, उसके बाद आप लगा दीजिए कुकर का ढक्कन और इसे पकने दीजिए, और हमारा पुलाव रेडी, और देखो कितना ज्यादा टेस्टी बना है। तो मैं कर रही थी पढ़ाई, और पढ़ाई करते करते मेरा भाई आया और उसने लाया नारियल पानी, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हमें भी हाइड्रेट रहना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो उसके लिए मैं पी रही हूँ नारियल पानी, और नारियल पानी पीने के बाद मैं फिर से लग जाऊंगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो मैं पहुंच गई हूँ मेरे मामा के घर, और ये है मेरे मामा की लड़की विधि, ये है तनिष्क मेरे मामा का लड़का। बाय बाय मामा। हाय। सो इनका फेस आप देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इनको काम का बहुत ज्यादा लोड है, है ना? अब मेरा इसे लेना बल्ला। तू हवा खा। इतनी चॉकलेट आ गई हमारे पास कि हम गिरा रहे हैं। थैंक यू सो मच।
इसको नहीं देना, इसको हवा। तो चलो अब सीन हो जाता है अनबॉक्सिंग का, क्योंकि मेरे जीजू का भी नया मोबाइल आ चुका है और यह है ओप्पो A3 Pro जो कि 5G है। और इसे खोलने के बाद, अनबॉक्स करने के बाद जीजू बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्हें ये मोबाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप भी बताना कैसा है। और अब नेक्स्ट बारी आती है छोटे जीजू की। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। तो अब हम सभी भाई बहन मिलके खा लेते हैं खाना। यहाँ पर सीन ये हुआ है कि अभी ये मुझसे गुस्सा हो गई है क्योंकि मैंने इसके बिना खाना खा लिया और ये मेरे लिए रुकी थी और मैंने इसको बताया भी नहीं और खाना खा लिया। कितना बड़ा काम किया है मैंने, सोचो। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।